आम आदमी पार्टी ने सेल्फी विद स्कूल अभियान के दौरान लोगों की ओर से भेजी गई तस्वीरों की राज्य के सभी 13 जिलों में प्रदर्शनी लगाई। हल्द्वानी में भी आम आदमी पार्टी ने जेल रोड चौराहे पर फ्लैक्स के जरिए उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश की। तस्वीरों में जर्जर स्कूलों को दिखाकर सरकार पर निशाना साधा गया। आप प्रदेश प्रवक्ता समीर टीकू ने कहा कि बीजेपी सरकार बेहतर शिक्षा के खोखले दावे करती है, इन तस्वीरों से ये बात सिद्ध हो गई है। उत्तराखंड में जीरो वर्क सीएम है, राज्य के स्कूलों में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। यहां के मंत्री विधायक जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। समीर टीकू ने कहा कि उत्तराखंड दौरे पर डिबेट के आमंत्रण पर मदन कौशिक के न आने पर जब मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विधानसभा के स्कूल को देखने गए और वहां के हालत को देखने के बाद मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड के स्कूलों पर चिंता जताई। मनीष सिसोदिया के दिल्ली लौटने के बाद बीजेपी के मंत्री विधायक सभी उत्तराखंड में बेहतर स्कूलों के दावे के साथ मनीष सिसोदिया पर सवाल उठाने लगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने जनता को निर्णायक भूमिका में डालते हुए 15 जनवरी को सेल्फी विद स्कूल अभियान चलाया, जिसमें जनता ने अपने आसपास के जर्जर हालत, बदहाली की हालत वाले सैकड़ों स्कूलों की फोटो सोशल मीडिया पर डालने के साथ ही आम आदमी पार्टी को भेजी। आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू किया गया सेल्फी विद स्कूल अभियान को प्रदेश की जनता ने पूर्ण समर्थन दिया। इन तस्वीरों ने सरकार के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी। सरकार का झूठ सामने आया और जनता ये भी समझ पाई कि कैसे सरकार द्वारा कोरी अफवाहें फैलाई जाती हैं और जनता को भ्रमित किया जाता है। समित ने कहा कि उत्तराखंड में इन स्कूलों के जर्जर भवनों में छात्र और शिक्षक अपनी जान जोखिम में लेकर आते हैं। सरकार लाख दावे करे, लेकिन उत्तराखंड में इन स्कूलों की तस्वीरों ने ये बात साबित कर दी है कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ है। कई स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर स्थिति में हैं। खुद मुख्यमंत्री के विधानसभा के एक स्कूल का दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया जी ने भ्रमण कर जनता को सच्चाई बताई थी। पहाड़ों से जो जर्जर तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर कैसे शिक्षक उन स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देते होंगे। इन स्कूलों में हालत इतने बदतर है कि यहाँ शिक्षा लेना और देना किसी इम्तिहान से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए का बजट शिक्षा के लिए सरकार बनाती है और तय करती है, लेकिन आखिर उस बजट को सरकार ने अभी तक कहां खर्च किया? जनता को इसकी जानकारी सरकार को देनी चाहिए। आप प्रवक्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी आगे भी ऐसे अभियानों की शुरुआत प्रदेश में करेगी ताकि सरकार के सफेद झूठ जनता के सामने आए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।